आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कैसे उसके सॉल्यूशन स्पेस की बेसिस निकालते हैं, कैसे उसके सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, मींस अगर आपको प्रॉब्लम मिले तो इसे कैसे सॉल्व करना है, ये पहले मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, जब आपको पूरी तरीके से अप्रोच समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, तो फिर मैं इसके पीछे की थ्योरी डिस्कस करूंगा कि इसका जो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन स्पेस के डायमेंशन का फॉर्मूला है, क्या है, क्यों है, ये सारी बातें मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड आउट द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दिस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, एंड देन लेटर ऑन आई विल डिस्कस व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ताकि आपको थोड़ा रटने वाली फीलिंग कम आए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को कि कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेप वन क्या होगा, सॉल्यूशन। तो ये एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा होगा, ax equal to b टाइप का जो है प्रॉब्लम, आपने पहले कभी पढ़ा होगा, मतलब क्लास 12th में क्रैमर रूल से सॉल्व करके इसका सॉल्यूशंस निकालते थे। राइट, याद होगा आपको, जिसका सॉल्यूशन होता था x equal to a inverse b। होमोजेनियस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपका जो राइट हैंड साइड वेक्टर b है वो जीरो होगा। जैसे आप देखिए, यहां भी पहला इक्वेशन है राइट साइड में जीरो, दूसरा इक्वेशन है राइट साइड में जीरो, तीसरा इक्वेशन है राइट साइड में जीरो। तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ कोई भी एक नॉन जीरो होता तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, बी नहीं है यहाँ पे, बी जो है वो जीरो है, सॉरी बी नहीं कहना गलत होगा, बी जो है वो जीरो है, बी नॉन जीरो नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक नॉन जीरो नंबर आ जाता तो हम कहते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पहली बात जानने वाली क्या थी, यस दिस इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एक बार आपको स्टेप्स पता चल जाएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है, इसे आपको ax equal to b फॉर्मेट में लिखना होगा, मतलब आपको इस फॉर्म में इसे लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप इसको ऐसे लिखेंगे। स्टेप वन, ये मैट्रिक्स बनाइए। ये मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स होता है आपका ये जो अननोन्स है। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो आपको मिल गई, इस प्रॉब्लम में एक्चुअली निकालना क्या है, अननोन कितने x1 x2 x3 x4 एंड x5, मतलब आपके 5 अननोन्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है, और ऐसी वैल्यूज होना चाहिए जो कि तीनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो नंबर ऑफ अननोन्स आर, आप कह सकते हैं n, अगर नंबर ऑफ अननोन्स बोले, नंबर ऑफ अननोन्स तो ये कितने हैं, 5 हैं, क्योंकि 5 वेरिएबल्स हैं जिसको आपको निकालना है। तो ax equal to b फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि ये जो सबसे पहले इक्वेशन पे आप जाइए, पहले इक्वेशन पे आप गए, उसके बाद x1 x2 x3 x4 x5 का जो कोफिशिएंट है उसको इस मैट्रिक्स का पहला रो बना दीजिए। तो यहां पे x1 का कोफिशिएंट क्या है, 1, x2 का कोफिशिएंट क्या है, 2, x3 का कोफिशिएंट क्या है, 2, x4 का कोफिशिएंट क्या है, -1, x5 का कोफिशिएंट क्या है, 3, वेरी गुड। दूसरे इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या है, 1, x2 का कोफिशिएंट क्या है, 2, x3 का कोफिशिएंट क्या है, 3, x4 का कोफिशिएंट क्या है, 1, x5 का कोफिशिएंट क्या है, 1, वेरी गुड। तीसरे इक्वेशन पे आते हैं, तीसरे इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या है, 3, x2 क्या है, 6, और x3 क्या है, 8, x4 क्या है, 1, x5 का क्या है, 5। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। अगर मान लीजिए ऐसा होता, मान लीजिए यहां पे x4 जो है मिसिंग होता, तो उसके कोफिशिएंट को हम यहां पे क्या ले लेते, हम 0 ले लेते। ये करने का तरीका है। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। हर एक इक्वेशन से देखिए, पहले इक्वेशन से ये मिला, दूसरे इक्वेशन से ये मिला, तीसरे इक्वेशन से ये मिला, उसके बाद आपको ए एक्स फॉर्म में लिखना है। इसमें जो एक्स होता है वो होता है अननोन, ए क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको आप क्या कह सकते हैं, ए इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अननोन वेरिएबल्स है उसके कोफिशिएंट से ये मैट्रिक्स बनी हुई है। एक्स क्या है आपका, अननोन्स। तो यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, आपके 5 अननोन्स हैं, जिनका नाम क्या है, एक्स वन एक्स टू x3, x4, x5, ठीक है। और राइट b क्या होता है, जो राइट साइड है इक्वेशन का, जो राइट साइड वेक्टर है उसे b कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे राइट साइड में देखिए 0, 0, 0 है, तो आपने लिख दिया इसे 0, 0, 0। तो आपने फाइनली ax equal to b फॉर्म में लिखा, लेकिन यहां b 0 है तो ये आपने इस फॉर्म में लिख दिया। आप ये भी चेक कर सकते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
फाइनली देखिए यही आ जाएगा, मतलब ये या ये दोनों ही सेम चीज है। देखिए पहला इक्वेशन आ जाएगा 1 into x1 plus 2 into x2 plus 2 into x3 minus x4 plus x5 equal to 0, पहला इक्वेशन। इस तरह से आप देखेंगे दूसरा तीसरा भी इक्वेशन आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है इसको हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट में? x equal to b, क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम है तो ये इसका b यहां पे 0 है तो ये x equal to 0 फॉर्म में हो गया। तो ये था आपका स्टेप 1। तो स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया होगा। स्टेप 1 में क्या करना है, जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसे x equal to b फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम मिला था वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था इसलिए हमारा b जो है 0 आ गया। तो फाइनली हमने सिस्टम को लिख दिया x equal to 0 फॉर्म में, राइट। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स a था, राइट, यही था, देख लीजिए आप लोग, इसे आपको क्या करना है, इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ जगह रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ जगह इकलॉन फॉर्म में, तो ऐसा कोई लोड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए चाहे रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो स्टेप टू क्या है, कन्वर्ट दिस इनटू इकलॉन फॉर्म, ठीक। अब इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आपको पहले लेक्चर्स में दिखा भी रखा है, आप चाहे तो वहां पर सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो हमारे पहले लेक्चर्स में अवेलेबल है हाउ टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू इकलॉन फॉर्म, रो इकलॉन फॉर्म। तो क्या करना है, सबसे पहले इकलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहला रो देखिए इसका पिवोट एलिमेंट क्या है, 1, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसकी हेल्प से यहां और यहां पे 0 बनाना है, राइट। तो क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, आर टू शुड गोज टू आर टू माइनस आर वन, 1-1 हो जाएगा, और यहां पे 0 बनाने के क्या कर सकते हैं, आर थ्री शुड गोज टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो क्या हो जाएगा, 3-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए इस ऑपरेशन को लगाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। पहला रो एज इट इज 1-2-2-1-3, ठीक है। अब आर टू गोज टू आर टू माइनस आर वन करते हैं तो 1-1-0, 2-2-0, 3-2-1, एंड 1-1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, और 1-3 क्या हो जाएगा आपका -2। तो आपकी फाइनली सेकेंड रो क्या बनी, 0-0-1-2-2, कोई दिक्कत, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं तीसरे ये ऑपरेशन पे, क्या है, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो 3-3 0, चलिए ठीक है, इस पिवोट के नीचे 0 हो गया, और 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6-6 0 हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहां पे भी आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 2-3 6, तो 8-6 क्या होगा आपका, 8-6 हो गया आपका 2, तो यहां पे क्या है आपका 0-0-2। फिर यहां से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा -3, 1-3, राइट। जब 1-3 आप 1-3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे 4, राइट। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए यहां पे 9, 5-9 इज -4, तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, -4, राइट। तो आपका जो थर्ड रो क्या होगा, 0-0-2-4-4, अभी भी हमारा ये इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, राइट। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सेकेंड रो पे जाना होगा। सेकेंड रो का पिवोट क्या है, 1, इसके नीचे यहां पे 0 होना चाहिए, तो इस 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थर्ड ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस 2-2 चाहते हैं ना, तो 2-2 कर दीजिए, 1 की हेल्प से यहां 0 बन जाएगा। फिर देखते हैं हमारी क्या नई मैट्रिक्स आती है, देन द न्यू मैट्रिक्स विल बी 1-2-2-1-3 एंड 0-0-1-2-2 एज इट इज, 0-0, 0 ये करेंगे यहां है तो 0 ही रहेगा। यहां देखिए R3 goes to R3 minus 2R2 means 2 minus 2, this is 0. उसके बाद देखिए R3 goes to R3 minus 2R2 means 4 minus 4, 0. यहाँ पे भी देखिए minus 4 और minus 2 करेंगे तो plus 4 हो जाएगा, तो minus 4 plus 4 क्या होगा, 0 होगा। तो थर्ड रो भी क्या आ गई, पूरी तरीके से 0 आ गई। अब ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, इक्वल फॉर्म में है, जो कि एक ही 0 रो है जो कि बॉटम में है, और पिवोट की कंडीशन भी ठीक है। देखिए ये पिवोट एंड ये पिवोट, ये हर रो का पिवोट जो है अपने से ऊपर वाले रो के पिवोट के राइट साइड में है, राइट। सो दिस मैट्रिक्स इज इन इकलॉन फॉर्म। वैसे तो ये मैट्रिक्स इकलॉन फॉर्म में है, लेकिन इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए इस मैट्रिक्स से दो ही पिवोट्स हैं, एक तो ये, राइट। इस पिवोट के नीचे तो सारा 0 है, अगर रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में करना है तो जो भी पिवोट और एलिमेंट होता है उसके ऊपर और नीचे भी 0 होना चाहिए, मतलब जिस कॉलम में पिवोट एलिमेंट होता है उसके ऊपर नीचे सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए उसे छोड़ के। तो यहां पर कोई इश्यूज ही नहीं है। थर्ड रो का पिवोट एलिमेंट 1 है, इसके नीचे तो 0 है, इसके ऊपर भी हम 0 बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम ऑपरेशन ये लगा दें, R1 goes to R1 minus 2R2 कर दे तो क्या होगा, यहां भी 0 बन जाएगा, और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में होगी। यहां पे फिर से बता दूं,
कि जरूरी नहीं कि आप मैट्रिक्स को रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, आप इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे आसान लग रहा है इसे कर दे रहा हूं मैं, राइट। तो जो आपकी फाइनली रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म वाली मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे तो वही रहेगा एज इट इज, राइट, इसमें टू ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू माइनस टू यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो, और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव एंड यहाँ पे सेवन, और बाकी सब एज इट इज, जीरो जीरो वन एंड टू माइनस टू एंड हियर लास्ट वन इज जीरो 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 जीरो। सो दिस वन इज इन रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म। तो रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल दिखता है, अदरवाइज नॉट नेसेसरी टू रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म, आप इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप्स कंप्लीट हुआ, ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में है। देखिए पिवोट्स, पिवोट्स ये पिवोट है, इसके ऊपर नीचे जिस कॉलम में है सारे दूसरे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो हम कह सकते हैं ये रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में है। तो ये था हमारा स्टेप टू का कंप्लीट, अब हम कह सकते हैं हमारा स्टेप टू जो है कंप्लीट हुआ। अब स्टेप थ्री क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेप थ्री में हम क्या बताएंगे, फाइनली हम ये आपको बताएंगे इस रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म वाली मैट्रिक्स को देखकर कि जो इसका सोल्यूशन स्पेस आएगा, जो भी सोल्यूशन है वो एक स्पेस फॉर्म कर रहा है, उसका डायमेंशन क्या है। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो सोल्यूशन स्पेस बनेगा ठीक है उसका डायमेंशन क्या है ये हम अभी बता सकते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला है वो मैं लिखूंगा, लेकिन उसका फॉर्मूला ये कैसे आया वो मैं जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा तो डिस्कस करूंगा। तो फॉर ए मोमेंट अभी आप ये मान लीजिए कि हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है ये देख रहे हैं। इसके पीछे का सिद्धांत जो है उसको देखने के लिए आपको पहले पूरा ये स्टेप्स खत्म हो जाएंगे, तो आप उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको इसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो अभी मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला क्या है, देन डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला इज एन माइनस आर। n क्या होता है, n इज आप या तो ये कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n की होती है तो उसमें m होते हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस, m जो होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस, आपके पास थ्री इक्वेशन है, m आपका क्या है यहाँ पे थ्री इक्वेशन मैट्रिक्स। देखिए ये जो फाइनल मैट्रिक्स जो आपको मिली थी वो किस ऑर्डर की थी, थ्री वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री क्रॉस फाइव की मैट्रिक्स थी आपकी, राइट, थ्री क्रॉस फाइव मैट्रिक्स थी। तो आप देखिएगा उसमें एम जो होता है वो नंबर ऑफ इक्वेशन होता है, एम इक्वल टू थ्री था और एन के बारे में मैंने आपको बताया था, एन क्या था आपका नंबर ऑफ अननोन्स, कितने वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। तो वैसे भी थ्री क्रॉस फाइव की मैट्रिक्स है तो वहां से भी एन इक्वल टू आप लिख सकते हैं, या एन को आप ये भी समझ सकते हैं कि एन इज योर नंबर ऑफ अननोन्स, वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो एन की जगह आपने लिख दिया फाइव, माइनस आर क्या होता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स ए थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसकी रैंक क्या है। तो जब आपने उस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब आप उसके रैंक भी बता सकते हैं, रैंक क्या होगी, अगर मैट्रिक्स को आपने रो रिड्यूस इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो इस मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वो रैंक बताती है, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं, टू है, तो आपकी रैंक क्या हो गई, टू होगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो इन द इकलॉन फॉर्म ऑफ ए। तो टोटल आया आपका क्या, थ्री। तो यहां से हमें सोल्यूशन क्या है नहीं पता, जो सोल्यूशन स्पेस है उसकी बेसिस क्या है नहीं पता, लेकिन हम ये चीज तो बता सकते हैं कि जो सोल्यूशन स्पेस है उसकी बेसिस पे तीन एलिमेंट आएंगे, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला जो कहता है एन माइनस आर फॉर्मूला जो होता है ये आपको बताता है कि जो सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन जो आप होमोजेनियस लीनियर सिस्टम आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसके कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाइक सॉल्यूशन कितने होंगे, वो एन माइनस आर होंगे, जो कि आ गए थ्री। अब क्वेश्चन आता है कि इसका सॉल्यूशन जो है जो आपने प्रॉब्लम लिया है क्या वो यूनिक है कि क्या वो इनफाइनाइट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस, अभी इन सब के बारे में थ्योरी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस क्वेश्चन इज whether infinite solution exists, ये बात अभी हमने सॉल्व की है। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है x इक्वल टू जीरो इसके इनकंसिस्टेंसी की बात तो होती ही नहीं है, मतलब हम इसके लिए ये बात तो करेंगे नहीं कि क्या इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसका क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू जीरो जो है वो हमेशा इसको सेटिस्फाई कर गया है ना, a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो LHS इक्वल टू RHS वाली बात कह सकते हैं हमेशा,
ठीक है। तो ये जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका x इक्वल टू जीरो तो एक हमेशा सॉल्यूशन मिलता है। इसलिए हम कभी भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये बात नहीं करते हैं कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। यहां पर सिर्फ हम दो बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि भाई सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही है, क्या वो यूनिक है या इनफाइनाइट है। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन की ओर आते हैं और ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है या यूनिक है। तो उसका जो सिद्धांत ये होता है, अभी हम इसके प्रूफ की ओर नहीं जा रहे हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर रैंक ऑफ ए जो है, जो मैट्रिक्स है, लेस देन एन है, तो सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। आपके केस में देखिए रैंक क्या है, 5। एन क्या है, एन आपने जो सॉरी रैंक आपने 5 नहीं, रैंक आपने 2 निकाला है, एन क्या है 5। तो इस 2 इज लेस देन 5, मतलब आपकी प्रॉब्लम में भी यही हो रहा है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, राइट। आपकी प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन आ रहा है। तो हमने सॉल्यूशन स्पेस के बारे में सारा डिस्कशन कर दिया। पहला तो क्या डिस्कस कर दिया कि भाई इसके नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशंस तो 3 होंगे बाय द फार्मूला एन माइनस आर। अब हमने यही बता दिया कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि ये फार्मूला कहता है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, वो भी यहां पे हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने सारा केस डिस्कस कर लिया कि भाई नंबर ऑफ मैक्सिमम एलआई सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बीच में जो एलआई सॉल्यूशन मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे। अब हमारा जो अगला स्टेप आएगा यही आएगा कि भाई वो जो 3 मैक्सिमम एलआई सॉल्यूशन है जो कि सॉल्यूशन स्पेस की बेसिस फॉर्म करेंगे, उसको कैसे निकाला जाए। तो ये जो डिस्कशन मैंने किया है, इसमें दो ही चीज डिस्कस किया है मैंने, n minus r formula and rank of a less than n। तो ये क्यों infinite solution देता है और ये n minus r क्यों maximum number of Li solution देता है, इसके बारे में सबसे last में discussion होगा। ठीक है, अब हम आते हैं step 3 की ओर। step 3 क्या है कि कैसे system का हम solution space लिखेंगे, solutions कैसे लिखेंगे, या इसकी कैसे maximum number of Li solution जो कि 3 आया वो कैसे निकालेंगे। इस step में क्या करना होता है, इस step में ये जो आपको reduced matrix मिली है इसके करिस्पॉन्डिंग आपको फिर से इक्वेशन लिखना पड़ता है। मतलब आपने जब ओरिजिनल मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा था तो याद रखिए क्या था, इससे करिस्पॉन्डिंग इसमें x1 से मल्टीप्लाई था, इसमें x2 से, इसमें x3 से, इसमें x4 से, इसमें x5 से। तो आप जो ये रिड्यूस मैट्रिक्स आई है उसके करिस्पॉन्डिंग फिर से आपको इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो आपका जो रिड्यूस इक्वेशन भी आप कह सकते हैं वो क्या लिखेंगे आप, इसके करिस्पॉन्डिंग क्या इक्वेशन बनेगा, x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3, तो वो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 5x4 प्लस 7x4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, 0 इंटू x1 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं, 0 इंटू x2 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं, 1 इंटू x3 इसको लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 इंटू x4 माइनस 2 इंटू x5 इक्वल टू 0। अब ये तीसरा सिर्फ 0 0 है तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उसे भी हम नहीं लिख रहे। ये रिड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। ठीक, इसी से हमको सॉल्यूशन मिलेगा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस या बेसिस सब कुछ यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, क्या, फ्री वेरिएबल का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, फ्री वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में ये रखिए कि अगर किसी भी सिस्टम, चाहे होमोजेनियस हो चाहे नॉन होमोजेनियस है, उसमें कोई वैल्यूबल फ्री हो गया ना, फ्री मतलब समझ ले कुछ भी दे दो वैल्यू, तो ऑफ कोर्स आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि उसके पास अगर फ्री वेरिएबल है, किसी भी सिस्टम के पास फ्री वेरिएबल है, तो उसका सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। एक तो रैंक लेस देन एन आया है, आप देखेंगे कि रैंक ए लेस देन एन होने पे क्या हो रहा है, उसके पास फ्री वेरिएबल आ रहा है, इस सिस्टम के पास फ्री वेरिएबल आ रहा है। तो फ्री वेरिएबल की डेफिनेशन रहते हैं, फ्री वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है, फ्री वेरिएबल इज गिवन बाय द फार्मूला एन माइनस आर। तो किसी भी जो सिस्टम का जो फ्री वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस लीडिंग वेरिएबल। आर को आप चाहे तो रैंक ऑफ ए भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल और रैंक ऑफ ए सेम होगा। तो इन पर्टिकुलर यहां पे भी फ्री वेरिएबल आ गए 3, तो सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन आता है कि किनको हम फ्री वेरिएबल लें, तो एक तरीका होता है इसे ढूंढने का, ये होता है कि ये जो लीडिंग वेरिएबल पहले उनको देख रहे हैं आप, लीडिंग वेरिएबल जिस कॉलम के करिस्पॉन्डिंग है,
जैसे कि आपको पता होगा कि ये x1 वाले के करेस्पॉन्डिंग होता है, ये x2 के, ये x3 के, ये x4 के, ये x5 के, क्योंकि आपको पता है यहां पर सिर्फ x1 का कोफिशिएंट्स होता है, यहां पे x2 का, यहां पे x3 का, यहां पे x4 का, यहां पे x5 का है, ठीक है। तो लीडिंग वेरिएबल जिस ये लीडिंग जो है ना, ये जो आपका सेकंड होगा जो लीडिंग एलिमेंट है, ये जिस वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग है, जैसे आपका फर्स्ट लीडिंग लीडिंग जो है ये 1 है, फर्स्ट रो का, ये किसके करेस्पॉन्डिंग है, ये x1 के करेस्पॉन्डिंग है। सेकंड रो का जो लीडिंग एलिमेंट है ये किस वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग है, ये है x3 के करेस्पॉन्डिंग है। तो ये वेरिएबल जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, लीडिंग वेरिएबल। या आप कह सकते हैं कि ये जो पिवोट एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट भी कहते हैं ना, पिवोट एलिमेंट जिस कॉलम में होते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं क्या, लीडिंग वेरिएबल। तो ये है पिवोट एलिमेंट, ये x3 करेस्पॉन्डिंग है, मतलब पिवोट कॉलम है, ये कॉलम किससे करेस्पॉन्डिंग है, x3 करेस्पॉन्डिंग है, ये भी पिवोट कॉलम है, ये किससे करेस्पॉन्डिंग है, x1 के करेस्पॉन्डिंग है। तो x1 और x3 को हम क्या कहेंगे, ये है लीडिंग वेरिएबल। इनको छोड़ के जो भी वेरिएबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्री वेरिएबल। मतलब आप x2 को, x4 को, x5 को आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू दे दो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब फ्री वेरिएबल्स क्या आ गए, फ्री वेरिएबल्स फाइनली क्या हो गए, लीडिंग वेरिएबल्स आर x1 x3 एंड फ्री वेरिएबल्स आर x2 x4 x5। तो अब आपको ये दिमाग में रखना, लीडर भाई छोड़ दो, जो लीडर है वो तो लीडर है, उनको छोड़ के जितने हैं वो सब फ्री है। तो ये स्टेप यहां पे कंप्लीट हुआ कि भाई जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो x2 x4 x5 को आर्बिट्रेरी वैल्यू देंगे, और उनके देखिएगा इनको आप आर्बिट्रेरी वैल्यू देंगे तो x1 x3 भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, मतलब इनके हेल्प से ये दोनों भी निकल जाएंगे। तो फाइनली आपके पास x1 भी होगा, x2 भी होगा, x3 भी होगा, x4 भी होगा, x5 भी होगा, और आप ये भी देखेंगे कि ये ओरिजिनल सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अगले स्टेप में देखते हैं क्या कि इनको आर्बिट्रेरी वैल्यू देख के कैसे हम सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम बेसिस निकालेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गए। तो ये स्टेप यहीं पे खत्म होता है जिसमें हमने लीडिंग वेरिएबल और फ्री वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया। तो अब हम आते हैं फाइनल स्टेप में कि कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, या बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। फाइनली नाउ वी हैव रीच्ड टू दिस थिंग, बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप चाहे तो और भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, आपका x1 और x3 तो लीडिंग वेरिएबल थे, फ्री कौन कौन थे, x2 x4 एंड x5। तो आप क्या कीजिए, x2 x4 x5 को कोई भी वैल्यू दे दीजिए। आप दे दीजिए x2 को 1 करोड़, x4 को 5 करोड़, x5 को 10 करोड़, तब भी आपको जो x1 x2 आएगा आप देखिएगा ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक अप्रोच तो ये होता है कि जो यूजर बेसिस पे देखा ना आर एन की, वैसे वैल्यू दे देते हैं। क्या देते हैं, x2 को 1 देते हैं पहले, ठीक है, और x4 को क्या देते हैं, 0, x5 को 0। अब आप ये बोल सकते हैं ये कब तक चलेगा, मतलब x2 x4 x5 को कब तक आर्बिट्रेरी देते रहेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि n-r=3, तो हमें 3 LI सॉल्यूशन चाहिए। तो आप कैसे लिखिए, आप एक बार x2 को 1 दीजिए, x4 को 0, x5 को 1, तो यहां से आपको मिलेगा x1 x3। ये आपका अब ये सारे मिलके x1 x2 x3 x4 x5 मिलके v1 बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बेसिस का एक पार्ट आ गया। दूसरा क्या, अब आप ऐसा करिए कि x2 को 0 दे दीजिए इस बार, x4 को आप क्या दीजिए, 1 दे दीजिए, x5 को 0 दे दीजिए, तो आपको बेसिस का दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा v2, x1 x2 x3 x4 x5 इसमें होंगे क्योंकि इनकी हेल्प से आपको x1 x3 मिल जाएगा। फिर आप x2 x4 x5 को एक बार x2 को दे दीजिए 0, x4 को दे दीजिए 0, x5 को दे दीजिए 1, तो आपका तीसरा सॉल्यूशन जो होगा उसको बोल देंगे हम v3। ये v1, ये v2, ये v3 जिनकी काउंटिंग है 3, ये ही होंगे सॉल्यूशन स्पेस, मतलब बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस होंगे, या कह सकते हैं यही होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ LI सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर, दिस का जो ओरिजिनल आपकी प्रॉब्लम थी उसके। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम पहले x2 को 1 लिखेंगे, x4 को 0 लिखेंगे, x5 को 0 लिखेंगे, मतलब v1 निकालने जा रहे हैं, बेसिस का पहला एलिमेंट, सॉल्यूशन स्पेस की बेसिस का पहला एलिमेंट। तो आप इस इक्वेशन में क्या पुट कीजिए, x2 = 1, x4 = 0, x5 = 0। देखिए अगर यहाँ पे आप क्या है, x4 = 0 पुट करेंगे, x5 = 0 पुट करेंगे, तो आपको x3 भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चलिए x3 की वैल्यू मिल गई, अब आप इन सारी वैल्यू से x1 भी निकाल सकते हैं। देखिए x4 0, x5 0, ठीक है, और आपने x और आपका x2 क्या है, 1 है। देखिए ये दोनों 0 है,
x2 क्या है आपका 1, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा माइनस 2, राइट। x1 क्या मिल जाएगा आपको माइनस 2। तो आपका बेसिस का जो सॉल्यूशन स्पेस की जो बेसिस का पहला एलिमेंट जो कि v1 है वो क्या होगा आपका v1 इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5 एंड इट इज इक्वल टू x1 इज व्हाट माइनस 2 x2 इज व्हाट 1 minus 2 1 and all others are 0 0 and 0। चलिए v1 मिल गया, अब हम निकालते हैं v2। बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस का दूसरा एलिमेंट, इसके लिए क्या करेंगे हम, x2 की जगह पर दीजिए क्या 0, x4 की जगह लिख दीजिए 1 और x5 की जगह रख दीजिए क्या 0, x3 है ना, अब की बार क्या है आपका x4 1 है, राइट, x4 1 है, x5 0 है, तो x3 यहां से क्या मिल जाएगा आपको माइनस 2, राइट, x3 क्या हो गया आपका माइनस 2। अब पहले इक्वेशन पे आइए, आपको x4 यहां पे 1 पुट करना है, x5 0 पुट करना है और x2 जो है आपको 0 पुट करना है, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5, राइट, x1 विल कम आउट टू बी 5। तो सॉल्यूशन स्पेस जो है उसकी जो बेसिस है उसका दूसरा एलिमेंट v2, ये कैसे दिखेगा, v2 इज इक्वल टू फिर से x1 x2 x3 x4 x5 which is equal to x1 is what, x1 is your 5, right, x1 is 5, x2 is 0, x3 is minus 2, x4 is 1, x5 is 0, 5 0 minus 2 1 and 0 is the second element of the basis of the solution space। अब तीसरा निकालते हैं, इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, तो अब हम निकालते हैं फाइनल, फाइनल v3 निकालना है ना, फाइनली हमारा v3 क्या है ये नहीं निकालना अभी हमने, तो v3 कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा 1 0 0 रख चुके हैं, 0 1 0 रख चुके हैं, 0 0 1 बचा है, 0 0 1, ये है हमारा x2, ये हमारा x4, ये हमारा x5, तो बस यहां पे आप रखिए x4 की जगह 0 रखिए, x5 की जगह अगर आप 1 रख देंगे तो x3 क्या आ जाएगा आपका, x3 आपका आ जाएगा 2, और यहीं से आप ये वैल्यूज को यहां पे रखिए तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x1 will come out to be -7, तो हमारा v3 भी आ गया, राइट, बेसिस का तीसरा एलिमेंट भी आ गया जो कि क्या है आपका x1 x2 x3 x4 x5 and your x1 is -7, x2 is 0, x3 is your 2 and rest are 0, ठीक है, तो finally your answer will be basis of solution space is v1, v2, v3, जिनके काउंटिंग क्या है n minus r equal to 3। अगर आपको निकालना हो और सारे सॉल्यूशन की जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है आपको निकालना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं ये सारे हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उसका तरीका क्या है कि आप जो x2 x4 x5 जो आप क्या वैल्यू दे रहे हो 1 0 0 0 1 0 0 0 दे रहे हैं, आप क्या करो कि आप x2 को लिख दीजिए r arbitrary r, x4 के लिए arbitrary s और x5 के लिए जगह लिख दीजिए arbitrary t, ठीक है, फिर इससे करेस्पोंडिंग आप x1 x2 निकाल लीजिए तो आप देखेंगे कि आपका वो पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा कि आप उसमें आप कह सकते हो यू गिव एनी वैल्यू टू rst एंड वी विल हैव x1। तो आप कुछ किताबों में ऐसे भी देखेंगे कि x2 x4 x5 जो फ्री वेरिएबल है उनको फ्रीली एक नंबर दे देते हैं कि मान लीजिए कि rst rst कुछ भी हो सकता है, तो आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो इसी तरीके से आपके वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, तो वो भी तरीका, कोई दिक्कत नहीं, ये एक स्पेसिफिक अप्रोच है जहां पे आप कह सकते हैं बेसिस तो वैसे भी कैसे कोई जरूरी नहीं, बेसिस यूनिक हो, इनफाइनाइट बेसिस आप निकाल सकते हैं, तो उन इनफाइनाइट बेसिस में से एक बेसिस निकालने का सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है कि आप ऐसे दे दीजिए, अभी मान लीजिए आपका n माइनस r 2 आता तो इसका मतलब था दो वैल्यू फ्री है तो हम उनको वैल्यू ऐसे देते 1 0 एक बार 0 1 दूसरी बार, मान लीजिए आपका x2 x4 सिर्फ फ्री होता तो हम क्या देते हम ऐसे वैल्यू देते 1 0 कर देते और 0 भाग देते, ठीक है, मतलब एक बार x2 को 1 लिखते x4 को 0 लिखते दूसरी बार क्या करते x2 को 0 x4 को 1, तो आपको मिल जाता सॉल्यूशन, तो ये तरीका है बेसिस लिखने का, एक तरीका है, यही सिर्फ तरीका नहीं और भी तरीके हो सकते हैं। तो यहां तक हमने सीखा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन स्पेस की बेसिस कैसे निकालते हैं या सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, उसके डायमेंशन मतलब जो बेसिस के डायमेंशन फार्मूला क्या होता है n माइनस r फार्मूला होता है, और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो क्या कंडीशन होती है, रैंक a इज लेस देन n, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद की बात की थोड़ी सी इसके पीछे की लॉजिक क्या, सिद्धांत क्या है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को देखिए फैमिली है, अभी भी हमने इसी मैट्रिक्स को लिया था, यही हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी थी, याद कीजिए वही मैट्रिक्स है ये, ओके। इस मैट्रिक्स को देखिए, मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे बेसिस ऑफ
नल स्पेस ऑफ ए बताइए, ठीक है, या मैं आपसे बोलूं कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए बताइए, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द नल स्पेस ऑफ ए, बेसिस बताइए, नल स्पेस जो होगी उसके बेसिस बताइए, और फिर बेसिस पता है तो आपको डायमेंशन का फॉर्मूला भी पता होगा, राइट? आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन से मैट्रिक्स है, 3x5 के मैट्रिक्स, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन P बनेगा वो R5 से R3 में होगा। आपको पता है कि जो नल स्पेस होता है वो डोमेन इसका क्या होता है, इसका सबसेट होता है ना, R5 का सबस्पेस होगा, राइट? तो अगर आपको डिफाइन करना होगा नल स्पेस ऑफ ए, तो आप ऐसे लिखोगे, नल स्पेस ऑफ ए किसका सबस्पेस होगा, R5 का होगा। R5 का कोएफिशिएंट कैसा दिखता है, आप बोलोगे इट इज x1 x2 x3 x4 x5 बिलोंगिंग टू R5 सच दैट, इन पूरे को अगर हम x कर देते हैं, ax = 0, यही तो है नल स्पेस की डेफिनेशन, राइट? अच्छी बात है। अब जरा ये ax = 0 इस पे अप्लाई कर देते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। ये हमारा पूरा पूरा a है ना, तो आप चाहे तो इसी में इसको यहां पे क्लियर कर देते हैं, या इसको एक बार फिर से देते हैं, चलिए फिर से देता हूं। इसी में आप जरा ये कहते हैं इसको ax = 0 इस मैट्रिक्स के करेस्पोंडिंग ax = 0 लिखे तो क्या बनेगा, 1 2 2 -1 3 1 2 3 1 1 3 6 8 1 5, और यहां पे आप लिखोगे x की जगह क्या, x1 x2 x3 x4 x5, और यहां क्या लिखोगे आप, 0 0 0। याद कीजिए आप, यहां सब कुछ याद आ रहा है कि इस मैट्रिक्स का नल स्पेस निकालो या इसको सॉल्व करो, ये दोनों सेम चीज है, और ये क्या है, यही तो अभी आप सॉल्व किए, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, क्या है ये, x1 + 2x2 + 2x3 - x4 + 3x5 = 0। तो यहां से क्या बात निकल के आ रही पता है, आप मुझे इस मैट्रिक्स का नल स्पेस बोलो या बोलो इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, दोनों ही सेम चीज है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ जो हम पूरा का पूरा अभी जो सॉल्व किए हैं वो कुछ और नहीं किया है हमने, हमने बेसिकली नल स्पेस ऑफ ए की बेसिस ही निकाला है भाई, नल स्पेस ऑफ बेसिस ही निकाला है। अगर आपने कहा अच्छा तो बेसिकली हम नल स्पेस ऑफ ए निकाल रहे हैं, नल स्पेस ऑफ बेसिस निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, जरा रैंक नलिटी थ्योरम लगाइए, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है आपको अच्छे से पता होगा, रैंक नलिटी थ्योरम कहता है कि अगर ए जो है n×n मैट्रिक्स है तो इसके रैंक ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए जो कि आपने निकाला है इज इक्वल टू दिस n। इसका मतलब ये डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए ये क्या बन जाएगा, n माइनस रैंक ए को हम लिख सकते हैं r। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए होता है n माइनस r। इसलिए तो हमने बोला जो आपकी प्रॉब्लम है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आप निकाल रहे थे उसका सॉल्यूशन स्पेस, उसकी बेसिस का फॉर्मूला हमने क्या बताया, n माइनस r बताया। क्यों बताया, क्योंकि आप एक्चुअली में नल स्पेस ऑफ a ही निकाल रहे थे और नल स्पेस ऑफ a उसके डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, राइट नलिटी थ्योरम से n माइनस r। तो आज से इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना या इस मैट्रिक्स के नल स्पेस निकालना दोनों ही सेम प्रॉब्लम है। यहां से अगर हम आते तो यहां पहुंच गए हम, दोनों सेम प्रॉब्लम है, तो डायमेंशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रैंक नलिटी थ्योरम से n माइनस r बना। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है कि n माइनस r क्यों देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ li सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो आ रही है उस सिस्टम के करेस्पॉन्डिंग उसका नल स्पेस निकाल रहे हैं, और नल स्पेस निकाल रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ये क्या बन जाता है, n माइनस r। अब यही पे ये आपको क्या देता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, मतलब है कि उसमें एक ना एक फ्री वेरिएबल जरूर मिलना होगा, अगर फ्री वेरिएबल नहीं है यूनिक तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब अगर n माइनस r 0 हो गया यूनिक सोल्यूशन, और n माइनस r इक्वल टू 1 भी आ गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। जैसे कि आपको मैंने बताया कि देखिए थ्योरम क्या बताया था, थ्योरम ने बोला था कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ एंड ओनली r इज लेस देन n। आप देखिए r अगर n से छोटा हो गया तो n माइनस r पॉजिटिव हो गया, मतलब फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट। तो ये जो लिखा है ना कि रैंक r इज लेस देन n तो होमोजेनियस सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, वो इसी वजह से क्योंकि n माइनस r पॉजिटिव हो गया तो फ्री वेरिएबल मिल गया, और फ्री वेरिएबल मिल गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। अब इसी में हम कह रहे थे कि n माइनस r = 0 आ रहा है सर हमारा,
तो आप बोलोगे n माइनस r इक्वल जीरो कब होता है? भाई वो तब होता है जब r इक्वल टू n होता है, मतलब जो आप a लिए थे अगर वो उसकी रैंक और n बराबर हो जाए तो सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। और आपको ये भी पता है कि अगर a जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसकी रैंक जो है वो n है, तो a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया था अगर वो इनवर्टिबल हो गई, क्योंकि तब उसका रैंक इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब ये r और n हो जाएगा, तो आपका n माइनस r जीरो हो जाएगा, तो उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर मैट्रिक्स a कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो r और n ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, तो n माइनस r जीरो हो जाएगा, n माइनस r जीरो हो जाएगा, तो नो फ्री वेरिएबल, सो यूनिक सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में अगर a इनवर्टिबल हो गया तो आपको एक और चीज मिल रही है। क्या मिल रही है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? x इक्वल टू जीरो। आपने कहा सर n माइनस r केस में हमारा r इक्वल टू n है क्योंकि हमारा a इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इस केस में a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो a इनवर्स से हम लेफ्ट में ऑपरेट कर देंगे, ये लीजिए। तो होमोजेनियस सिस्टम केस में ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, x equal to 0, wow। ये और भी बहुत सारी बातें मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, आज के लेक्चर में आई थिंक इतना काफी मैंने कवर कर दिया है। इसलिए इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी डाउट देन प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस, आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। और प्लीज डू राइट कमेंट्स, वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे भी मेहनत करता रहूं। काफी गर्मी है हमारे स्कूल में, इसलिए थोड़ा सा मुझे पसीना भी आ रहा है। खैर कुछ नहीं, आई होप कि आपको ये लेक्चर बेनिफिट किया हो, आपको बेनिफिट कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिला ही होगा इससे। Thank you so much for watching, and if you don't want to miss my next content, then please subscribe. Thank you so much.